दंपति के साथ मारपीट किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यह जो तस्वीर है आप देख रहे हैं, यह तस्वीरें थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कृष्णा कुंज कॉलोनी की है। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग एक वृद्ध दंपति को घर से खींचकर मारपीट कर रहे हैं। वीडियो में एक व्यक्ति हाथों में डंडा लिए भी दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी वीडियो में एक पर्दीधारी भी दिखाई दे रहा है जो कि सभी लोगों के साथ आया था। जब इस पूरे मामले की जानकारी जुटाई गई तो मामला कृष्णा कुंज कॉलोनी की रहने वाली शिवा पत्नी उदित कुमार के यहाँ का पाया गया। पति पत्नी के बीच काफी लंबे समय से विवाद भी चल रहा है और यह विवाद एक मकान से जुड़ा हुआ है। यह भी बताया जा रहा है पूरे मामले को लेकर पुलिस अब बारीकी से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पीड़िता की ओर से घर में पति और उसके साथियों द्वारा घुसकर मारपीट किए जाने और लूटपाट किए जाने का आरोप लगाया गया है। वहीं असली घटना क्या है, पुलिस इस बात की जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल पीड़िता ने पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बताया है, यह जरा आप भी सुनिए। कल जो आपके यहाँ घटना हुई है मारपीट की, क्या पूरी घटना हुई थी? मेरे हस्बैंड और जो उनके साथ जो लोग आए थे उनके रिश्तेदार थे, मेरा नाम रोहित थे उसमें, और कई दो चार और भी गुंडों को लेके आया था जो कि दारू के नशे में थे। ये लोग पहले भी कई बार मेरे ऊपर हमला कर चुके हैं, रास्ता चलते भी कर चुके हैं, घर पे फायरिंग भी कर चुके हैं, जिसका और न्यायालय में 307 का मुकदमा विचाराधीन है, उसमें वारंट जारी इनके हो चुके हैं। उसके बाद ये आए दिन मारने, जान से मारने की धमकी, घर खाली करने की धमकी देते रहते हैं। कई बार कोतवाली प्रभारी को भी मैंने सूचना दी लेकिन मुझे रफा दफा करके भेज दिया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। कल जब घटना हुई ये लोग अचानक से आए, गेट खटखटाया, मैंने गेट खोला तो ये दबाव बनाते हुए एक साथ में चार पांच लोगों ने धक्का मारा और मेरी माँ को खींचते हुए रोड पे लेके गए मारते हुए, फिर मुझे भी मारा और मेरे घर में घुसते चले आए, काफ़ी तोड़ फोड़ की, मेरे गले में पड़ी हुई चैन तोड़ ली इन्होंने, उसके बाद घर में रखा हुआ कुछ सामान था वो भी ले लिया। बताया कि उसमें पुलिस वाला भी नज़र आ रहा है क्या? फुटेज में जो एक ग्रीन कलर की शर्ट में एक लोग हैं जो कागज़ हाथ में लिए हैं, वो अपने आप को SOG प्रभारी बता रहे हैं मैनपुरी का, कि हम SOG प्रभारी हैं और मकान तो तुझे खाली करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा, तू रहेगी या मैं रहूंगा, एक ही इस घर में रहेगा। SOG प्रभारी बोल रहे हैं? जी प्रभारी जी बोल रहे थे, जो कि क्रीम कलर की। ये सिपाही जो फुटेज में नजर आ रहा है वर्दी में, ये कौन है? ये शैलेंद्र है जो मेरे नंदोई का दूर का रिश्तेदार है, इसने एक फर्जी बैनामा कराया जो कि वैलिड नहीं है, क्योंकि उस इस पूरी प्रॉपर्टी को माननीय न्यायालय से पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की, थाने में गई तहरीर दी तो उन्होंने कहा लूट का मुकदमा या कोई ऐसी। ये फुटेज में जितने आरोपी दिखाए जा रहे हैं इसमें कोई गिरफ्तार पुलिस ने किया अभी तक? जी पुलिस में जो वर्दी में जो है उसको कोतवाली में कल से बैठा हुआ है अभी तक, और अभी तक कोई वैसी कार्रवाई नहीं हुई है, बाकी लोग फरार। उच्च अधिकारियों से आपने कोई शिकायत की है इसकी? या नहीं सर, मैंने कप्तान सर के जो COG नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर दिया है वीडियो, और बाकी सर से कल उनके टाइम